फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज का मेरा ये वीडियो यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है। इससे पहले भी हमने यूकेजी के बच्चों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट्स देखी हैं। अगर आपको वो देखनी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैच विद राइमिंग वर्ड्स। ये जो सिंपल वर्ड्स होते हैं जैसे कि कैट और ये जितने भी हमारे वोवल के साथ वाले सिंपल वर्ड्स होते हैं, इनको यूकेजी में बच्चों को पढ़ना सिखा दिया जाता है। तो बोलकर बच्चों को देखना है कि कैट का जो साउंड है वो इनमें से किस में मैच हो रहा है। तो कैट का जो साउंड है वो मैच हो रहा है मैट से। ओके, कैट विद मैट, सन बन, हग मग, कट हट, हम गम, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम दैम। नेम दैम का मतलब है बहुत ही सिंपल जो स्पेलिंग्स हैं वो बच्चों को लर्न कराई जाती हैं ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे। तो जैसे ये है हमारा बैट, बी ए टी बैट। ओके, देन ट्री, टी आर डबल ई ट्री। और एक बार बच्चों को ये सारे जो फोनिक साउंड्स हैं वो सिखा दिए जाते हैं अच्छे से, उसके बाद उनको आगे की स्पेलिंग्स ऑब्जेक्ट्स के भी सिखाते हैं। बट फिर भी आप ध्यान रखिए कि अगर बच्चों को जैसे आइसक्रीम, बलून, ओके और ट्री, इन सब की स्पेलिंग्स अगर नहीं सिखाई हुई हैं अब तक, तो इस टाइप की वर्कशीट्स में आप ये ऑब्जेक्ट्स ना डालकर इनकी जगह दूसरे डाल सकते हैं। बट अगर सिखा दी गई हैं तो आप इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स बच्चों को बना के पिक्चर्स दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आइसक्रीम, ओके, नेक्स्ट बलून, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द मिसिंग वोवल। यहाँ पे वाउल्स जो हमारे हैं ए ई आई ओ यू, उनमें से ही एक वाउल जो है वो हमें इन बॉक्सेस में फिल करना है। पिक्चर को अच्छे से देखना है, स्पेलिंग में हमें इनमें से कोई एक जो इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करता है वो वाउल यहाँ पे फिल करना है। जैसे जे यू जी जग, ओके, एस यू एन सन, बी ओ एक्स बॉक्स, सी ए टी कैट, पी आई एन पिन, पी ओ टी पोट, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, मेक वर्ड्स विद द साउंड। अब बच्चों को इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो बनाने सिखाए जाते हैं यूकेजी में। तो इस टाइप की भी एक आप वर्कशीट दीजिए जिसमें एम के साथ एट तो बन जाएगा मैट, वो बच्चों को यहां लिखना है। ए टी को इंक्लूड करते हुए इन सारे जो हमारे अल्फाबेट है उनके साथ स्पेलिंग्स बनानी है, वर्ड बनाना है। एम ए टी मैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, इस टाइप से यहां भी बच्चों को लिखना है। पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन। आप जब बच्चों को इस टाइप की एक्सरसाइजेस कराएं तो कोशिश करें कि साथ में आप उनका ओरल वर्क भी कराएं। जैसे बच्चे एम ए टी मैट लिख रहे हों तो उस समय वो उसे बोलें भी, जिससे कि उनके प्रोनंसिएशन और अच्छे होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस वर्कशीट में। आगे भी हम अलग अलग वर्कशीट्स में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।